फ्रेंड्स, आपका एट्रेटिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह डिज़ाइन का डोरमेट कैसे बना है उसको बताने जा रही हूँ, तो आइए इसे देखें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे यह दो कलर का ऊन लिया है और यह जो है 11th नंबर की सिलाई है। और मैं स्टार्टिंग करूँगी इससे, यानी कि यह ब्लू वाले ऊन से। यहाँ देखेंगे इस पे हमने टोटल फंदे 32 का लिया है, 32 से बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें एक सिलाई इस तरह से उल्टे उल्टे निकाल लेना है, इस तरह से पूरी सिलाई निकाल लेंगे। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट सिलाई, इस सिलाई पे हमें पैटर्न बनाने हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें दो फंदे लगाने हैं। ये हमारा उल्टा साइड होगा। दो फंदे के लिए ये येलो कलर का ऊन लगाएंगे और इससे दो फंदे येलो से बनाएंगे। अब इस पे हमें ब्लू से बनाने हैं। 1, 2 अगेन दो फंदे, इसे जो है ना साथ साथ लेके चलेंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए लेके जाएंगे तो क्या होगा ना कि फंदे इसके साथ बंधते चले जाएंगे। ये दो बनाया और फिर हमें बनाने हैं ब्लू से। ये देखिए इस तरह से हमें 16 फंदे तक बनाने हैं, यानी मैं आगे बता रही हूँ। दो अगेन बनाया ब्लू का, दो येलो बनाया, तो यहाँ देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 बनाने हैं। और अब ब्लू से बनाने हैं हमें। ब्लू से यहाँ से सिर्फ ये दो फंदे को छोड़ेंगे और यहाँ तक हमें बनाने हैं। कितने फंदे बनते हैं मैं बना के बता देती हूँ। इस तरह से यहाँ तक बना लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यह फंदे हमने 18 फंदे हमने बनाए हैं ब्लू से। ये दो फंदे लेफ्ट करेंगे और सिलाई को पलटेंगे। सिलाई पलटने के बाद इस पे सीधे तरफ, यह हमारा सीधे तरफ का है, जो फंदे जिससे बने हैं उससे बना लेने हैं। ये ब्लू वाले यहाँ तक बना लेने हैं। ये दो फंदे और हैं इसे बनाने हैं और फिर इस फंदे को पीछे करेंगे इस तरह से। इसे क्रॉस सेक्शन में लेंगे, यानी कि येलो हमें बनाने हैं दो फंदे। दो बनाया, अगेन इसे पीछे करेंगे और ब्लू वाले को अपने तरफ, अगेन दो ब्लू से बनाएंगे, फिर पीछे करने हैं क्योंकि हमें येलो से दो बनाने हैं। देखिए किया, नेक्स्ट फिर सेम प्रोसेस। इस तरह से सीधी सिलाई पे ना जो फंदे जिससे बने रहेंगे उसे हमें बना लेने हैं। मैं एक सिलाई पे दिखा देती हूँ, नेक्स्ट सिलाई पे एक तरफ यानी जिधर से पैटर्न बनाऊंगी उधर से ही बताऊंगी ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको इधर से पैटर्न को भी समझ में आ जाए तरीके से। ये लास्ट फंदे जो है ना, लास्ट फंदे को, एक फंदे को सीधे से बनाएंगे। इस तरह से यह पैटर्न का दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गया है। तीसरी सिलाई पे ये जो दो फंदा हमने येलो बनाया है इसे अब 4 बनाना है। ये दो तो बनेंगे ही, साथ में ये दो ब्लू का 4 बनाया। अब ये जो येलो फंदा है ना इसे अब ब्लू से बनाएंगे। हाँ देखिए दो ब्लू, अब ब्लू वाले फंदे जो हैं उसे हम येलो से बनाएंगे। 2 येलो, येलो वाले फंदे अगेन ब्लू से। फिर ब्लू वाले फंदे जो हैं उसे अगेन येलो वाले फंदे को ब्लू से बनाया। यहाँ देखेंगे 4, 2, 2, 2, 2, 2 ब्लू हुआ। अब इस पे हमें दो और
यहाँ देखेंगे, यहाँ पे येलो 4 2 2 2। अब नेक्स्ट फंदा जो ये ब्लू वाले फंदे हैं ना, यहाँ तक हमें बना लेना है, यानी कि इसके फंदे 16 फंदे बनेंगे। पैटर्न के इधर जो है ना, हमें 2 फंदे लास्ट में छोड़ेंगे और बनाएंगे। प्रत्येक सिलाई पे हमें 2-2 फंदे छोड़ने होते हैं। अब यहाँ देखेंगे, पहली सिलाई पे 2 छोड़े थे, नेक्स्ट सिलाई पे अब इसे 2 छोड़ेंगे। इस तरह से प्रत्येक सिलाई पे इधर 2-2 छोड़ते जाएंगे। फिर सिलाई पलटेंगे और इस तरह से ये जो ब्लू वाला फंदा सब जो है, इसे अपने सीधी तरफ से बना लेंगे और फिर इसे भी बनाएंगे और टोटल सिलाई कंप्लीट कराएंगे। इस तरह से पैटर्न का ये हमारा फोर्थ सिलाई कंप्लीट होगा। अभी पीजा वाला आगे करेंगे और फिर इसे पीछे करना है। हमें 2 फंदे ब्लू से बनाने हैं, पीछे करने हैं। इस तरह सीधे सिलाई पे हमें जो फंदे जिससे बने हैं उसे बना लेने हैं। और ये 4 फंदे हमारा येलो का है तो इसे बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, सीधी सिलाई पे हमें लास्ट के ये फंदे को सीधे सीधे बनाने हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट अभी 5वीं सिलाई, इसमें 4 फंदे जो येलो कलर के हैं उसे बना लेने हैं। 2 3 4 और 2 फंदे और बनाने हैं, 5 6। और ये येलो वाले को हमें ब्लू से बनाने हैं। 2 बनाया, इसको अब हमें येलो से बनाएंगे। 2 अगेन ये येलो को ब्लू से बनाना है। अगेन यह जो है ब्लू है उसे हमें येलो से बनाना है। बना लिया। अब इस ब्लू वाले को ना हमें यहाँ पे देखेंगे 6 2 2 2 2। पीला वाला हमारा 1 2 1 2 3 3 कंप्लीट हुआ। अब इस पे 12 फंदे हम ब्लू से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 14 बनाएंगे, 13 14। और ये 2 फंदे हमें लेफ्ट करने हैं। फिर सिलाई पलटनी है, जो फंदे जिससे बने हैं उसे बना लेने हैं। 8 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 9 सिलाई पे ये 6 फंदे येलो के हैं, इसे निकाल देने हैं। 2 3 4 5 5 6 निकाला, 2 फंदे इसे भी निकालने हैं, 7 8। अब यह येलो वाले फंदे जो हैं उसे हमें ब्लू बनाएंगे। 2 ब्लू बना, अब ये 2 फंदे जो हैं इसे ब्लू वाले को येलो से बनाएंगे। फिर इधर जो है अब हमें 1 2 यहाँ तक बनाने हैं, यानी इसके 12 फंदे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 फंदे हमें यहाँ से देखेंगे थोड़ा, एट फंदा
ओ दो फंदे और आएंगे इस पे, ये दो फंदे लेफ्ट होंगे। यहाँ देखेंगे 8 2 2 और इधर 2 4 6 8 10 12 14 14 फंदे बना लिए। फिर सिलाई पलटने हैं और जो फंदे जिससे बने हैं बना लें। 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 11वीं पे ये 8 फंदे जो हैं इसे निकाल लेने हैं एलो से ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाला। ये दो फंदे ब्लू वाले इसे भी हमें एलो से निकाल लेने हैं। तो ये टोटल हो गया 10 फंदे। अब ये एलो वाले जो हैं उसे हमें ब्लू से बनाने हैं और दो फंदे इसके ब्लू से बनाएंगे, सॉरी एलो से बनाएंगे, और बाकी फंदे जो बचे हुए हैं उसे हमें ब्लू से बनाना। 10 2 2 अब बाकी इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे निकाला। ये दो लेफ्ट किया। अब फिर इस सिलाई हमें पलटनी है, जो फंदे जिससे बने हैं बना लेने हैं। 12 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 13 के लिए ये जो येलो वाले सारे फंदे निकाल लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 और दो फंदे इसके भी बनाएंगे 11 12 और बाकी इधर के फंदे जो है ना दो फंदे लास्ट में छोड़ेंगे और बाकी जो है ब्लू से बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 फंदे बनाया, दो फंदे लेफ्ट किया। 12 और इधर 10 सिलाई पलटेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। 14 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 15 पे सारे फंदे को एलो से बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल 32 फंदे हमें एलो से कंप्लीट करने हैं। इस तरह से कंप्लीट कर लेना, इस तरह सारे फंदे हमें निकाल लेने हैं और लास्ट वाले ये ही फंदे को निकाल लेंगे। अब सीधी सिलाई करेंगे और इसे सारे फंदे को निकालेंगे। यहाँ पे हमें एक फंदे सीधे निकालने हैं और बाकी सारे फंदे को उल्टे से एलो से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 16 सिलाई कंप्लीट हो गई। पैटर्न का यह हाफ पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब इस पर नेक्स्ट सिलाई पे 12 फंदे हमें एलो से निकाल लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इधर के सारे फंदे को अब हमें ब्लू से बनाएंगे। 1 2 3 सिर्फ दो फंदे छोड़ेंगे, ये दो फंदे को छोड़ना है, यहाँ तक बनाना है। यहाँ देखेंगे हमने फंदे को बनाया, यह 12 और यह हमें 18 फंदे को बना लिया, दो फंदे छोड़ा और फिर सिलाई पलटने हैं और इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें ये दो फंदे जो है ना इसे भी हमें निकाल लेने हैं, यानी यह टोटल हमें टोटल फंदे ब्लू से बना लेने हैं और फिर ये ब्लू वाले फंदे को एक फंदे सीधे इस तरह से उतार लेंगे और बाकी फंदे को जो जिससे बने हैं उससे बना लेंगे। 18 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब
19वीं यानी 19 सिलाई पे यह फंदे जो 12 है ना अब घटेंगे, 10 बनाने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये दो फंदे जो येलो वाले हैं ना उसे हमें ग्लू से बनाने हैं। ग्लू से बनाया, दो फंदे हमें येलो से बनाने हैं। 1 2 10 2 2 और इधर के दो फंदे छोड़कर यहाँ तक हमें ग्लू से बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 दो फंदे हमें छोड़ देने हैं, सिलाई पलटने हैं और इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से ये 20 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 21 यानी 21 के लिए 10 फंदे जो येलो के हैं उसे 8 बनाने हैं। 2 3 4 5 6 6 7 8 और ये दो जो है इसे हमें ब्लू से बनाना है और ब्लू वाले दो जो हैं उसे येलो से बनाना है। येलो से बनाया, अगेन ये ब्लू से बनाएंगे और लास्ट में इधर भी ब्लू से बना लेंगे। इधर कितने बनाने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये दो फंदे हमें छोड़ देना है और फिर सिलाई पलटनी है और इसे कंप्लीट करना है। 22 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 23 सिलाई पे ये 8 फंदे जो हैं इसे हमें 6 फंदे येलो से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 फंदे बनाया। अब इसे दो फंदे जो हैं इसे ब्लू से बनाएंगे। अब ये दो बैगनी वाले जो ब्लू वाले फंदे हैं उसे येलो से और फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन फंदे बनाए, दो लेफ्ट किया और सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सिलाई 6 फंदे जो येलो के हैं इसे हमें 4 बनाने हैं। 1 2 3 4 जैसे जैसे हमने इधर बढ़ाया था वैसे वैसे ये घटाएंगे। 4 बनाया और इसे अब 2 बनाएंगे ब्लू से, 2 ब्लू वाले को येलो से, येलो वाले को ब्लू से बनाया और फिर इसमें दो फंदे येलो से बनाएंगे। देखेंगे इधर 4 2 2 2 बनाया। अब
यहाँ तक हमें ब्लू से अब बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सिलाई पलटेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। 26 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 27 पे दो फंदे हमें एलो सीनिक बनाने हैं, टू बनाया। अब इस दो फंदे को हमें ब्लू से बनाने हैं। 1, 2, 2 अब दो ब्लू वाले फंदे एलो से बनाएंगे। 1, 2 ये दो एलो वाले फंदे ब्लू से बनाएंगे। 1, 2 ब्लू वाले फंदे फिर एलो से बनाएंगे। 1, 2 इस तरह से यहाँ पे 2, 2, 2, 2 अगेन ये जो येलो वाला फंदा है इसे ब्लू से बनाएंगे और फिर इधर दो फंदे जो हैं हमें एक बार यहाँ देखेंगे। अब अगेन हमें दो फंदे और एलो से बनाएंगे और नेक्स्ट फंदे जो बाकी बीच के फंदे हैं दो फंदे लास्ट में छोड़कर इसे हमें ब्लू से बना लेना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बनाया, दो फंदे छोड़ा। अब इसे पलट के कंप्लीट कर लेना है। सिलाई कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सिलाई पे टोटल फंदे अब हमें एलो से बनाने हैं, यानी पूरी सिलाई हमें एलो से बॉर्डरिंग करना है। इस तरह से कंप्लीट करना है यहाँ तक। इस तरह से पूरे फंदे को एलो से बनाएंगे और सीधी सिलाई भी हमें एलो से कंप्लीट करना है। एक फंदे को यूं निकाल देना है और सारे फंदे को उल्टे उल्टे बना लेना है। सिलाई कंप्लीट हो गई है। टोटल 30 सिलाई का यह पैटर्न है, ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ हमारा फ्लावर जो है ना ये हाफ दिख रहा है, ये भी हाफ है। अब फिर इस पे अगेन ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जब इसे रिपीट करेंगे तो फिर यह एक ये जो रेक्टेंगल जो है हमारा हाफ है ये कंप्लीट होगा, सॉरी ट्राइंगल कंप्लीट होगा। तो फिर यह कंप्लीट फ्लावर इस पे दिखेगा। इसके लिए फिर वही प्रोसेस दोहराने हैं जैसा कि हमने पहले बनाया था। पहले सिलाई पे दो हम यहाँ देखेंगे, 2 येलो ब्लू 2, 2, 2, 2 अब अगेन इस पे दो हम ब्लू बनाएंगे और साथ में 2 येलो बनाएंगे और बाकी सारे फंदे को जैसे हमने बनाया था पहले रो पे उसी तरह यहाँ पे हमें बना लेने हैं और बाकी जो है इस तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है।